नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के पिंडरा में भोलेनाथ डेयरी फार्म पर। और इस वीडियो में सर के पास जो है 7 गाय जो है ताज़ा ब्याई हुई है जो बिक्री के लिए उपलब्ध है। तो इन गायों के बारे में जानेंगे कि कौन सी बार बच्चा दी है, दांत में कितने हैं, कितना इसका मेकअप स्थिति रहेगा और क्या इसका डिमांड है। कभी भी भूल करके भी जो है पशुओं की खरीदारी जो है ऑनलाइन न करें। भारत के किसी भी कोने से पशु खरीदे, आप वहाँ पर जाएं, 2 से 4 टाइम दूध निकालें, इसके बाद ही जो है पशुओं की खरीदारी करें। क्योंकि ये कोई वस्तु नहीं है, कोई सामान नहीं है कि आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं। क्योंकि पशुओं की आज स्थिति कुछ और है और कल गए पशुओं की स्थिति, क्योंकि ये कच्चा धंधा है। तो आपसे अनुरोध है कि आप कभी भी ऑनलाइन गायों की खरीदारी न करें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? हम बहुत बढ़िया सर। तो इस बार तो इतना हीट वेव था सर कि गायों को बचाना मुश्किल था। बहुत ज्यादा हीट स्ट्रोक था, हीट स्ट्रोक के नाते सभी पशु एकदम खनजा गई थी। जी जी, से बहुत परेशानी आई और बहुत कुछ सीखने को मिला। जी, तो आज हम आपके पास देख रहे हैं 7 गाय सर ताजा ब्याई हुई है, सभी गाय बिक्री के लिए उपलब्ध है। तो एक बार अपना एड्रेस सर बता दीजिए, कुछ नए दर्शक है उनके लिए। अभी सबसे पहले सभी किसान भाइयों को हमारे तरफ से राम राम। हमारा एड्रेस है, हमारा जिला वाराणसी है, तहसील पिंडरा है। और हमारा जो डेयरी फार्म है वाराणसी जिले के पिंडरा मार्केट में, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जय भोलेनाथ मिष्ठान भंडार है। वहाँ पे यदि किसान भाई या व्यापारी भाई आते हैं तो वहाँ से उनको हमारी डेयरी पे पहुँचा दिया जाएगा। हमारी डेयरी का नाम है जय भोलेनाथ डेयरी और मिष्ठान भंडार का नाम भी है जय भोलेनाथ मिष्ठान भंडार। आने का सुविधा सबसे अच्छा वहीं पे है, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास। जी जी, और आजकल सर ऑनलाइन बहुत ज्यादा जो है फ्रॉड चल रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ सर ऑनलाइन पशु नहीं दी जाती है। जी जी, आइए देखिए, दुहिए, गाड़िए, देखिए, दो एक मीटिंग, उसके बाद फिर लेके जाइए। तो चलिए सर एक एक गायों के बारे में हम डिटेल्स जानते हैं। आप देख रहे हैं फर्स्ट जो गाय है, इस गाय के ऑर्डर की बनावट हम आपको दिखा दे रहे हैं और करीब से भी हम आपको इसको थनों के बीच जो गैप है उसको भी हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, तो इस गाय का डिटेल्स बता दीजिए सर। जी जी, एक दूसरे ब्याप की है। हाँ? और इसमें आज 6 रोज भी आय हो गया है, 6 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, बच्चिया भी आई है। जी जी, और 12 से 13 लीटर दूध बढ़िया तैयार है अभी। 12-13 लीटर तैयार है, 12 लीटर मान लेते हैं, 12 लीटर 12 लीटर दूध तैयार है। जी जी जी, बच्चा इसका कौन है सर? बच्चिया एकदम फर्स्ट लास्ट वाली, लास्ट वाली। तो आप देख सकते हैं इस गाय का बच्चा ये है, बच्चिया है। और दांत में सर मिल गई है, दांत में मिल गई है। तो क्या इसका डिमांड होने वाला है सर? इसका डिमांड 45,000 रुपए है। तो आप देख सकते हैं इस गाय का डिमांड जो है 45,000 है। और ये सेकेंड गाय है, सेकेंड गाय का वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, उस समय प्रेगनेंट थी और हीट स्ट्रोक के कारण जो है सर नहीं सेल की। ये गाय भी जो है बच्चा दे चुकी है। कितना रोज हो गया सर इसको बच्चा दिए? बच्चा आज हो गया इसको दिए 11 रोज बछड़ा है। अच्छा, ये वाला है। तो देख सकते हैं इस गाय का बच्चा ये है, बछड़ा है। और क्या दूध दे रही है सर अभी? 4 दांत की है और इसमें 16 से 17 लीटर दूध बढ़िया तैयार है। 16-17 लीटर तैयार है, एकदम बढ़िया दूध तैयार। तो इस गाय के थन का बनावट आप देख सकते हैं, थनों के बीच जो गैप है उसको भी आप देख सकते हैं और मिल्क वेन जो होता है उसको भी आप देख सकते हैं। और दांत में 4 दांत है। और कौन सी बार बच्चा दी है? फर्स्ट लैक्टेशन की गाय है। तो क्या इसका डिमांड होने वाला है सर? इसका डिमांड सर 65,000। तो इस गाय का डिमांड जो है 65,000 है। 11 रोज हो गया बच्चा दिए हुए और दांत में 4 दांत की है। और एक थर्ड गाय है, तो इस गाय के भी ऑर्डर की बनावट हम आपको करीब से दिखा दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। और थनों के बीच जो गैप है उसको भी आप देख सकते हैं और मिल्क वेन है उसको भी आप देख सकते हैं। और पीछे से भी जो इस गाय के अंदर की बनावट हम आपको दिखा दे रहे हैं और साइड से भी आप देख सकते हैं। तो इस गाय का डिटेल सर बता दीजिए। सर ये सेकंड ब्याप में है और इसमें दूध इसमें 17 से 18 लीटर तैयार है। जी जी, और इसको आज 12 दिन दिया होगा, फर्स्ट वाला बछड़ा, लास्ट वाला। और ये इसका बच्चा बछड़ा है, आप देख सकते हैं। और कितना दूध कर रही है सर? दूध इसमें 17 से 18 लीटर दूध है। जी जी, दांत में मिल चुकी है, दांत में मिल चुकी है। तो क्या इसका डिमांड रहेगा? इसका डिमांड 60,000 रुपए। 60,000। जी, तो देख सकते हैं इस गाय का मिल्क कैपेसिटी जो है 17 से 18 लीटर है और मिल्क का इसका डिमांड जो है 60,000 यानी कि 60,000 है। और ये चौथी गाय है, इस गाय को भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। और इस गाय का भी जो है
ऑर्डर की बनावट हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप देख सकते हैं, और मिल्क वैन भी आप देख सकते हैं, थनों के बीच जो गैप है उसको भी आप देख सकते हैं। और इस गाय का डिटेल्स हम जानते हैं, इस गाय का सर डिटेल्स बता दीजिए। इसको भी आया 7 रोज हो गया है। हाँ? और इसमें दूध 12 से 13 लीटर तैयार है। जी जी। और इसका जो प्राइस है 38,000 जी। तो देख सकते हैं इस गाय का मिल्क कैपेसिटी जो है 12 से 13 लीटर बताया गया और डिमांड इसका 38,000। बच्चा सर एक कवरा वाले सेकंड जो है नहीं फोर्थ नंबर अच्छा चौथा नंबर इधर से चौथा उधर से चौथा अच्छा दोनों के बीच में है और डिमांड 38 है जी। दांत में तो मिल गई होगी? मिल गई है जी जी। और ये कौन सी बार बच्चा दिए सर? तीसरी बार तो देख सकते हैं थर्ड लैक्टेशन की ये गाय है और ये पांचवी गाय है। इस गाय को भी हम आपको दिखा दे रहे हैं और काफी अडल्ट की बनावट भी आप देख सकते हैं। और इस गाय का सर डिटेल्स बता दीजिए। ये थर्ड दांत में है जी। इसमें भी 13 लीटर दूध तैयार है। ये भी तीसरी बार बच्चा दी है। तीसरी बार बच्चा लिया है और इसमें भी 13 लीटर दूध तैयार है। इसका दाम 35,000 रुपया और इसका डिमांड जो है 35,000। तो देख सकते हैं इस गाय का डिमांड जो है 35,000 है और इसका भी बच्चा बछड़ा ही है। बछड़ा है और इस गाय का भी बच्चा जो है बछड़ा ही है। और ये काफी जो है छोटी गाय है, घर पर अगर दूध पीने के लिए रखना चाहते हैं कम स्पेस में भी आसानी से रह जाएगी। और इस गाय के भी अगर आप देख सकते हैं तो इस गाय का डिटेल्स बता दीजिए। 2 वर्षों की बच्चा दी है जी। 2 दिन हुआ बच्चा दी है। अब तीसरा दिन है। अभी 4 दांत की है। हाँ। सुबह फीस से खाली होगी पहली है जी जी। और बछड़ा भी आई है जी। और इसका नाम 32,000 रुपया 32,000। तो देख सकते हैं इस गाय का डिमांड जो है 32,000 यानी कि 32,000 है। तो हर रेंज की आपको यहाँ पर गाय मिल जाती है। अगर कम पैसे में भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। गाय की खरीदारी बिल्कुल भी ऑनलाइन न करें क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारा धोखाधड़ी होता है। तो आप ऑनलाइन परचेजेस न करें, कहीं से भी आप गाय खरीदें, भारत के किसी भी कोने से खरीदें, दो से चार टाइम मिल्किंग करें, इसके बाद जो है गाय लेने का प्रयास करें। डिटेल्स बता दीजिए सर। सर ये तीसरी भी आपने है और इसमें 10 लीटर दूध है। 10 लीटर 10 लीटर 6 दिन की भी आई है, बछड़ा भी आई है। अब बहुत सी तो इसका क्या डिमांड होने वाला है सर? इसका डिमांड 28,000 रुपया है और इस गाय का डिमांड जो है 28,000 है। यानी कि इस डेयरी फार्म पर जो 7 गाय है जिसमें 28,000 से गायों का कीमत जो है शुरुआत है और इस तरह धीरे धीरे बढ़ते हुए आप जिस रेंज की गाय लेना चाहते हैं आपको इस डेयरी फार्म पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगी।